सके बोला साल का शो है ये डिबेट्स और गेम्स का फ्लो है ये जहाँ हर बात है डायनामिक फ्रेश पर्सपेक्टिव सब फैंटास्टिक बैटल ऑफ द बेस्ट लेट्स बिगिन द क्वेस्ट लाइव इन डिस्कशंस नो टाइम फॉर रेस्ट सके बोला साल सबके बीच अ फाइट अ कंपेरिंग इश्यूज लेट्स इग्नाइट बैटल ऑफ द बेस्ट लेट्स बिगिन द क्वेस्ट लाइव इन डिस्कशंस नो टाइम फॉर रेस्ट सके बोला साल सबके बीच अ फाइट अ कंपेरिंग इश्यूज लेट्स इग्नाइट Skills your degree, kaun sa hai zaruri? Online ya traditional, shopping ka hai theory? Classrooms ya e-books, pahai ka hai rang? Work from home ya office, kis taraf hai hum sab? Battle of the best, let's begin the quest. Lively these discussions, no time for rest. Sake bora san, sabke beech a fight. I come burning issues, let's ignite. हर एपिसोड में रंग हर बात में है जान साथी बोर आसान ये शो है मैदान हम है रेडी तुम भी हो रेडी लेके आए टॉपिक्स जो कर दे स्टेडी Battle of the best, let's begin the quest Live in these discussions, no time for rest Sake bora san, sake beach a fight A conglomerate issues, let's ignite Heart of a best, let's begin the quest Live in these discussions, no time for rest Sake bora san, sake beach a fight A conglomerate issues, let's ignite Har apne rang, har baat the best Welcome to the show, battle of the best Assalamualaikum. Welcome to all our listeners on Nayi Subah Web Radio. This is your very own RJ Saqib Reza once again with Battle of the Best. Janab Ali, आप सुन रहे हैं Battle of the Best. नया प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए थे. आपने पसंद किया, आपने सराहा, आप सबकी पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया. कैसे मिजाज हैं आप सबके? I hope जहां होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगियों को जी रहे होंगे. मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है एहसन इकबाल. मैं लंबी चौड़ी ना करते हुए डायरेक्ट उनकी तरफ बढ़ूंगा. अस्सलामुअलैकुम एहसन इकबाल, कैसे मिजाज है जनाब आली? वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्वीट लिसनर्स. कैसे हैं आप तमाम लोग? हशाश बशाश हैं, फिट फाट हैं बिल्कुल मेरी तरह. आपके आसपास का मौसम, आपके दिलों का मौसम कैसा है? सब कुछ ठीक ठाक है. आप सुन रहे हैं बैटल ऑफ द बेस्ट. नाम चेंज है, यानी रैपर चेंज कर दिया गया है, कलर चेंज कर दिया गया है रैपर का, बाकी सब कुछ वही है. एनर्जी का लेवल बूस्ट अप है. इसके अलावा हमारी एनर्जी तो आपके सामने है, इन्फॉर्मेशन भी मजे की होती है, एंटरटेन तो हम आपको करते ही रहते हैं. यू नो आइटम नंबर जनाब अली, बिल्कुल ऐसे ही है जनाब. वैसे इकबाल की एनर्जी चेक कीजिए आप, क्या एनर्जेटिक हो जाते हैं जब ये माइक के सामने आते हैं. पता नहीं क्या खाते हैं, अब तक हमें इनका राज ना पता चल सका. बहरहाल जनाब, आप भी हमें बता सकते हैं आप कैसे एनर्जेटिक रहते हैं. हम आपको बता ही देते हैं हमसे रابطہ करने का क्या तरीका है, क्या कॉन्टेक्ट नंबर है, क्या कॉन्टेक्ट करने के जराये हैं. सबसे पहले आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं. आप नंबर सेव करेंगे हमारा 03086000072. इसको सेव करें और फिर आए चैटिंग करें, बताएं हमारा शो आपको कैसा लगा. और एहसन इकबाल, बाकी जराये कौन से हैं? facebook.com/naisubahinstitute ये एक रास्ता है हमारे साथ रابطے का, एक जिससे के थ्रू आप हम तक पहुंच सकते हैं. और इसके अलावा आप बता सकते हैं कि आपका पूरा हफ्ता कैसा गुजरा. पिछले शो का फीडबैक इंतहाई बम्बाट था, मतलब मजा आ गया. यू नो व्हाट लिसनर्स, आप लोगों ने दिल खुश कर दिया. ये एनर्जी का जो रीजन है ये आप लोग हैं, ये डोज आप लोग देते हैं और ये बूस्टर लगाकर मैं आ जाता हूं. और माइक को देखते ही पता नहीं क्या हो जाता है, आंखें बंद हो जाती है और सर चकराने लगता है. सर घूमे चक्कर गाए. अच्छा, लिसनर्स तो बताएंगे उनका हफ्ता कैसा गुजरा. एहसन, आपका हफ्ता कैसा गुजरा, क्या किया इस हफ्ते? यार क्या यार, अकेले बंदों को कैसा हफ्ता गुजरेगा. अच्छा जनाब, ये तो चलता रहेगा. लेकिन इस हफ्ते हम लोगों ने जो है वो एक सोशल गैदरिंग की और हम लोग सफारी पार्क गए. बहुत मजा आया लिसनर्स. मजा क्यों आया मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है ना, ये एक हेक्टिक सी लाइफ हम जी रहे हैं, खासकर कराची हाइट्स जो है बहुत ज्यादा 9 to 5. उसके बाद घर में अपना मोबाइल है और सोफे पर लेटे हुए बस बैठे, उठते खाते पीते सो गए, सुबह फिर वही रूटीन. तो ये 24/7 की जो हमारी रूटीन चल रही है, इसमें हमें बिल्कुल रिलैक्सेशन का और थिंक आउट ऑफ बॉक्स का टाइम नहीं मिलता. कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, कुछ हट के करने का, जरा हट के करने का कुछ मौका नहीं मिलता. तो इस बार हमने एक
अपने कोलीग्स के साथ प्लान किया। साकिब भी हमारे साथ थे, सफारी पार्क गए, जंगल में घूमने का क्या मजा आता है। हम लोगों ने अपने आइटम्स किए और सबको महसूस किया, सब हमसे महसूस हुए, हम सबसे महसूस हुए। और उसके बाद हमने एक अच्छा सा खाबा फोड़ा, यानी हमने कढ़ाई खाई, मखनी हांडी खाई। हाय हाय, क्या क्या मजा आया जनाब, क्या सीन था वो। पहले हमने जंगली जानवर देखे, फिर एसएम को खाते हुए हमने देखा कि किस तरह वो खा रहे थे, समझ तो गए होंगे। मैं नहीं पीछे हटता, खाना खाना है भाई। बिल्कुल जनाब, बहुत अच्छा हफ्ता रहा। जैसे एसएम ने कहा कि हमने ये गैदरिंग की और होनी भी चाहिए, क्योंकि जाहिर है हम जब 9 to 5 ऑफिस होते हैं, फिर यहाँ से घर जाते हैं तो बिल्कुल सो जाते हैं। और वैसे एसएम, ये भी क्या बात है ना कि पहले मोबाइल टेक्नोलॉजी जी ये चीजें गैजेट्स नहीं होते थे, तो इंसान कहीं ना कहीं घर पे बोर फील करता था, फिर निकल पड़ता था बाहर वॉकिंग के लिए या सफाई पार्क चले गए। जिस तरह कराची वाले जानते हैं कि सफाई पार्क बहुत पुराना पार्क है, यहाँ काफी लोग जाते हैं और बड़ी जबरदस्त जगह है तफरी के लिए, काफी जानते हैं कराची के लोग। बाकी पाकिस्तान में भी काफी ऐसे लोग होंगे जो जानते होंगे इस पार्क के बारे में। ब्रांड एम्बेसडर मत बनिए आप, आगे चलिए प्लीज। तो जनाब बिल्कुल, पहले ये चीजें भी होती थी कि इंसान कहीं ना कहीं बोर फील करता था, लेकिन बोरियत भी अब खत्म कर दिया टेक्नोलॉजी ने। आप कभी फील करते हैं बोरियत सोशल मीडिया पे जब होते हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, टिकटॉक की रील्स देख रहे हैं, इंस्टा पे हैं, फेसबुक पे, तो वो बोरियत भी खत्म कर दी ना, तो इंसान मतलब अब वो जो बाहर जाने की एक नीड होती थी, एक हाजत होती थी, वो भी खत्म हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बोरियत अब फील नहीं करते, बोरियत अभी फील करते हैं। मेरे ख्याल से प्रायोरिटीज बदल गई हैं। और पहले की अगर हम बात करें तो पहले बहुत अजीब यार क्या माहौल था, मतलब सब मिलके बैठा करते थे। जैसे चाय का मौका है, खाने का मौका है, तो सबका ऐसा नहीं कि भाई मेरी फिल्म खत्म होगी, मेरी जो है वो मेरा इंटरव्यू या कुछ भी वो सुन रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जो भी है, चलो पॉजिटिव साइड पे आ जाते हैं, तो वो खत्म होगा तो उसके बाद जो है मैं खाना खा लूँगा, आप लोग अपना खाना खा लीजिए या समथिंग लाइक दैट, मेरी मीटिंग चल रही है, कुछ भी ऐसा। तो अब क्या होता है कि ऑफिसेज भी आपको 9 to 5 के बाद भी किसी की कॉल आ गई, भाई वो काम रह गया था वो प्लीज़ देख लो, और ऑनलाइन कोई मीटिंग किसी ने अरेंज कर ली तो उसको वो कर रहे हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें खत्म ही नहीं होता, यानी बस चले जा रहा है, चले जा रहा है। हम अगर पहले जैसे कि कोई टीवी पे शो आता था या कोई ड्रामा आता था, एक घंटे के लिए आता था, सब मिलके उसको देखते थे, एंजॉय करते थे, पता होता था कि यार 9 से 10 चलेगा, 10 के बाद हमारे बाकी जो घर के काम है वो हम कर लेंगे, टाइम मिल जाता था ना। लेकिन अब क्या होता है कि अगर हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, कोई टाइम ही नहीं है, चले जा रहा है, एक चीज हमने देख ली उसके बाद फिर पता नहीं क्या क्या कंटेंट, जैसे साकिब चले जा रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे मुझे। अच्छा वेल, ये चलता रहेगा हमारा। तो पहले हमारे जो घर थे उनका भी एक सिलसिला था कि हमारे यहाँ एक पोर्शन रखा जाता था जिसको सहन कहते थे या दालान कहते थे, जहाँ पे जो है वो ओपन एरिया होता था, वहाँ पे लोग शाम को बैठते थे और एक बहुत समा बन जाता था कि वो सनसेट सीन टाइप का एक हम जो है वो अपने घरों में एंजॉय कर रहे होते थे, या फिर छतें होती थी, छत पे चले जाया करते थे, पतंग उड़ाना, छोटे बच्चे कंचे खेलते थे या बैट बॉल खेलते थे, इस तरह की एक्टिविटीज, हेल्दी एक्टिविटीज, गलियों में क्रिकेट खेलने का एक रिवाज था। अब जो है वो ये सब चीज़ें छोटे, मतलब मैं कहता हूँ कि एक बच्चा जिसको फीडर नहीं पीना ना, तो अम्मा क्या कहती हैं कि उसको जो है वो पोम्स लगा के दे देती है मोबाइल में कि वो पोम्स देखता रहेगा और उसी दौरान जो है वो उन्हें फीडर पिला देगी। मतलब व्हाट इज दिस यार, नॉनसेंस वाली काम एक्टिविटी। आप बच्चे को शुरू से ही इतना डॉक्यूमेंट दे रहे हो कि उसके बाद बड़े होकर उसको ये चीज़ें बिल्कुल बेकार लगेंगी, यानी बड़े होकर उसको ये मोबाइल ऐसा नहीं इतना फैसिनेट नहीं करेगा जितना हमें करता है, क्योंकि हमें छोटे होते हुए ये मोबाइल नहीं मिला, हमें वन क्लिक पे पूरी दुनिया नहीं मिली, उनको 4 साल क्या मैं कहता हूँ 1.5-2 साल की उम्र में वन क्लिक पे दुनिया मिल रही है, तो आगे जाके उनको मजीद कुछ चाहिए होगा। इसी वजह से मैं समझता हूँ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमें ज़रूरत पेश आई और ये हमने फिर चीज़ें स्टार्ट की कि मशीन खुद ऑटोमेटिकली चीज़ों को लर्न कर ले, हमें उसको अब प्रॉम्प्ट भी देना ना पड़े, तो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग जा रहे हैं और अल्टीमेटली हमने लिए खुद खतरा पैदा कर रहे हैं। तो आई थिंक ओल्ड इज़ गोल्ड जो कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है कि पुरानी जो चीज़ें होती हैं ना, वो जितना इंसान को रिलैक्स इन्वायरमेंट देती थी, जितना इंसान को काम देती थी और इंसान फुल अथॉरिटी में होता था, यानी उसने क्या करना है क्या नहीं करना है उसके पास अथॉरिटी होती थी, और जितना उसके पास टाइम फ्री टाइम था उस स्पेस में रहते हुए, उस टाइम में रहते हुए अपनी प्राइवेसी भी मेंटेन करता था और अपने पसंदीदा शुगल भी जो है वो उसके जारी रहते थे। बिल्कुल जनाब, और क्या ही वो दौर था, सादगी थी लेकिन कितना मजा आता था। हम इंतजार करते थे, कोई एल्बम आता था, कोई कैसेट आती थी ऐसी, हम इंतजार करते थे कि हम ये कैसेट लेकर आएंगे भाई, मतलब पूरा साल इंतजार करते थे कि इस बार क्या आ रहा है। लेकिन अब इतना कंटेंट रोजाना की बुनियाद पर कंटेंट आ रहा है लेकिन कोई देख नहीं रहा है, वैल्यू खत्म हो गई। वो जो इंतजार करते थे 10-10 मिनट के कलाम के लिए, वो अब 1 मिनट में रील देख के हम खत्म कर देते हैं। वो वैल्यू है भाई, टमाटर बड़े मजेदार।
तो ये चीजें हैं और वो खत लिखने का अंदाज, अब टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल पे सारी चीजें हो जाती हैं, कन्वर्सेशन हो जाती है, तो वो जो खत लिखने का एक होता था क्रेज होता था, खत जब फिर कोई भेजता था उसको हम कितने तसल्ली के साथ बैठ के पढ़ते थे कि भाई मेरे महबूब ने, मेरे दोस्त ने क्या लिखा होगा। तो जनाब साकिब, हम अब सफारी पार्क में गाना गा रहे थे, आपकी नजरों ने समझा, क्या वो ना चला दे? बिल्कुल, ब्रेक पे जाने से पहले हम ये हम गाएं भी, फिर यही प्ले करते हैं, क्या ख्याल है? चलें स्टार्ट करें फिर। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ऐ धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी। वाह 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 जनाब, मिलते हैं इस जबरदस्त ओल्डी गोल्डी जबरदस्त गाने के बाद। वेलकम बैक लिसनर्स, क्या हाल चाल है? इस गाने सुनने के बाद इतनी कोयल जैसी आवाज सुनिए यार, सुरीली आवाज, मजा आ गया, बहुत ही बेहतरीन किस्म का गाना सुनने को मिला। ये गाना मैं रेडियो शो पे बहुत ज्यादा सुना करता था जब हमारी छोटी छोटी एज थी, मतलब तेने हमने रेडियो स्टार्ट किया था जब हम रेडियो सुना करते थे, अब हम रेडियो करते हैं, कितना फर्क है ना। वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे, वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे। आगे 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 नहीं, आगे नहीं, बस काफी है, दिस इज इनफ डोज, इनफ इनफ। अच्छा जनाब, गाना तो हो गया और बहुत पुरानी बातें भी हो गई, आपको लग रहा होगा हमारी उम्रें बहुत कोई ज्यादा है। साकिब क्या ख्याल है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देनी चाहिए भाई, ये कहीं हम कंसिडर ना हो 60-70 साल। हमें कहा जा रहा है भाई, मैसेज आ रहा है 0330860072 पर या facebook.com/nisabinstitute पर कि आपकी रिटायरमेंट की उम्र कब आने वाली है बता दें। तो अभी तो हमारी पार्टी शुरू हुई है, अभी तो शादी भी नहीं हुई। ओहो, ये एक मसला हर जगह हमें दरपेश रहता है, रेडियो में भी आता है, रेडियो में भी आ जाता है। सो जन्ना, हम हमारी टीम को तो देखे ना, हम दोनों को साथ बिठा दिया है, मतलब यार या तो मतलब बराबर में कोई बैठी होनी चाहिए ना, उससे क्या होता, उससे ये होता कि भाई शो में जाना दी, और कुछ नहीं होता। शो में अभी भी बहुत जान है, आपकी जान नहीं, अलग बात है। हम आगे चलते हैं, हम जो है वो आपको पता है बैटल ऑफ द बेस्ट किस चीज का नाम है, एक बैटल का नाम है, एक इंटेलेक्चुअल बैटल, एक जबरदस्त बैटल, इम्पैक्टफुल बैटल, जिससे आपकी आंखें खुलती हैं, आई ओपनर टाइप ऑफ बैटल, जिसको जो है वो हम बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ मिलकर। पिछली बैटल आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, डिग्री वर्सेस स्किल, और उसमें हमने बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर आए थे। अपने अपने मन पे हम लड़ने की कोशिश नहीं करते, कोशिश ये नहीं होती कि मैं जीत जाऊँ या ये जीत जाए, कोशिश बिल्कुल यही होती है कि आपको बात समझ आनी चाहिए और जिसके लिए जो चीज़ ज़्यादा बेहतर है वो उसकी तरफ जाए, अपने आप को एक बार रीथिंक करे, क्लियर थाट्स के साथ अपना कोई भी डिसीजन ले तो उसको परस्यू करें। आज साकिब हमारे पास क्या दो ऐसे मौजूदात हैं जो हम आपस में डिवाइड करके लड़ लेंगे? बिल्कुल जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं टीम वर्क वर्सेस इंडिविजुअल वर्क पर। ओह माय गॉड, देखते हैं मुनसफाना अपना इस पे हम तज्जिया देंगे, क्या होने जा रहा है। वैसे टीम वर्क बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है, वहीं पर ही इंडिविजुअल वर्क भी बहुत मैटर करता है। अगर आप खुद से काम कर रहे हैं, जाहिर है आजकल फ्रीलांसिंग का दौर है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो टीम, कौन सा दौर है यार, फायरवॉल लगी हुई है, कैसी बात है। बस आज पता नहीं कैसा दौर आ गया है। तो जनाब आज हम टीम वर्क और इंडिविजुअल वर्क पर बात कर रहे हैं, तो ऐसन क्या टॉस करें, टॉस चले सिक्का फेंगे। नहीं नहीं, सिक्का फेंकेंगे तो देखेगा कौन, देखेगा खुद। अच्छा। एक्सेसिबल सिक्का होना चाहिए, सिक्के में जोर डाल दो।
वेल जनाब, नई सुबह वेब रेडियो के इस खूबसूरत से शो में मैं समझता हूँ मुझे कुर्बानी देनी चाहिए। मैं इंडिविजुअल वर्क ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़े से पॉइंट्स थोड़े से कम है, 19-20 का फर्क है। वैसे इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट के इंडिविजुअल वर्क को मैं प्रूव कर सकूँ कि टीम वर्क से ज्यादा अच्छा है। लेट्स सी कितना प्रूव कर पाते हैं एहसन इकबाल। जनाब आगाज करते हैं, टीम वर्क की सबसे बड़ी क्वालिटी जो मुझे लगती है वो ये है कि इसमें आपके साथ जब लोग होते हैं तो आपको आइडियाज मिलते हैं, इसमें आपको अगर आप कहीं फंसते हैं तो आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आपको आरा मिलती है, मुख्तलिफ राय मिलती है, तो उससे ये कि फिर आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी रहती है, डिसीजन मेकिंग यानी बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। इससे डेफिनेटली आपके काम में भी फिर बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिट होता है। अच्छा, मैं इसको एक हर्डल के तौर पे देखता हूँ क्योंकि टीम वर्क में अगर जैसे 10 लोग हैं, चलें 2 लोग भी हैं, तो 2 लोग जो डिसीजन लेते हैं ना, एक बंदा उस पर अग्री होता है, एक नहीं होता, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट सा क्रिएट होने का खतरा ही रहता है। आप कह रहे हैं कि इससे सोल्यूशन मिलते हैं, मैं समझता हूँ डिसीजन मेकिंग तभी ज्यादा आसान होती है जब एक बंदा अकेला काम कर रहा है। और अगर आइडियाज लेने की बात है, न्यू आइडियाज लेने की बात है, तो आज का तो दौर AI का, यार चैट GPT आप यूज कर सकते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप अपने आइडियाज ले सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग्स कर सकते हैं और मशवरा तो लिया जा सकता है। बट टीम वर्क मैं समझता हूँ कि एक तरह की एक ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट कर देता है कि 10 लोग हैं, एक बंदा चाह रहा है कि ये प्रोजेक्ट इस तरीके से चलाया जाए और इस तरीके से इसकी जो है वो फिनिशिंग की जाए, और सेम जो दूसरा बंदा है वो चाह रहा है कि नहीं, ये प्रोजेक्ट चलाया तो चले, इसी तरह जाना चाहिए, लेकिन इसकी फिनिशिंग में मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ, और उन डिसएग्रीमेंट्स के चक्कर में ना जो बेस्ट पोटेंशियल ऑफ द प्रोडक्ट है या प्रोजेक्ट है वो सामने नहीं आ पाती, मुझे ऐसा लगता है। जनाब आपको लगता है आपकी राय की हम कदर करते हैं, लेकिन आपने कहा कि हम AI से भी आइडियाज ले सकते हैं, तो आप AI को यानी कंसिडर करते हैं कि AI ने यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस की जगह ले ली है, लेकिन मैं समझता हूं कि नहीं, जो आपको इंसान या एक बंदा आपको जो आइडियाज़ दे सकता है वो क्योंकि वाकिफ होता है आपके तमाम सिनेरियो से, तमाम सिचुएशन से, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें चल रही हैं उन तमाम चीज़ों से, उस बंदे को ये भी मालूम होता है कि आपकी टीम में कहाँ क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आइडियाज़ मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड किया जाता है, तो इससे तो मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट मजबूत आपका शायद नहीं है। नहीं, ये आप कह रहे हैं ना, आपने सबसे पहले जज कर लिया कि मैं ये कह रहा हूँ कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की जगह ले ली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस की हम बात यहाँ कर ही नहीं रहे। आइडियाज़ मेरे ख्याल से AI ज़्यादा अच्छे दे सकता है, बिकॉज उसके पास पूरी दुनिया का नॉलेज है जो उसके जो जिसको सामने रखते हुए वो आइडियाज देता है। इम्प्लीमेंटेशन ह्यूमंस बहुत अच्छी कर सकते हैं और ह्यूमंस ही करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, अभी तक रोबोटिक इम्प्लीमेंटेशन नहीं आई है आइडियाज़ की एग्जीक्यूशन एटलीस्ट पाकिस्तान में अभी तक। तो मैं ये मेरा ये पॉइंट नहीं था, मेरा ये पॉइंट था जो टीम वर्क है ना वो एक तरह से सॉर्ट ऑफ हर्डल्स की तरफ चला जाता है जब आपके पास 4-5 लोग होते हैं डिसीजन मेकिंग में, जबकि इंडिविजुअल वर्क में ऐसा कुछ नहीं होता, आप अकेले ही अपनी चीज़ के मालिक होते हो, आपको पता है इसमें इस जो है वो फंडा में मैं अगर लग गया, जैक लग गया मेरा, तो तब भी इसके मेरे ही बेनिफिट्स हैं, और अगर मैं ये डूब गया तो इसमें मैं ही अकेला डूबूंगा। आपके साथ 10 लोगों की लाइफ स्टेक पे नहीं लगती है और 10 लोगों की लाइफ ऊपर भी नहीं जाती। मुनासिब आपको पॉइंट वैलिड है। जनाब टीम वर्क की बात चल रही है तो टीम वर्क में जिस तरह आपने कहा कि इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, समटाइम लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे यकीनन आपका जो काम है, जो टीम वर्क में वो काम आप ले सकते हैं वो एक बंदा तो नहीं कर सकता ना, पूरा इदारा है, कोई कंपनी है, कोई प्रोजेक्ट है, इसमें आप टाइम भी बचा सकते हैं। जैसे अगर आपका वो प्रोजेक्ट 1 महीना चलेगा अगर आप अकेले करते हैं, तो टीम वर्क में तो वो आपका 1 दिन में भी काम हो सकता है। जैसा कि मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन आप देखिए कितना अजीब फैक्ट है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उन्होंने उतनी तरक्की नहीं की जितने इंडिविजुअल्स ने तरक्की की है। आप फाइनेंशियल ग्रोथ के तौर पे देखना चाहते हैं, आप इन्फ्लुएंस के तौर पे देखना चाहते हैं, यानी दुनिया पे क्या इम्पैक्ट है उन लोगों का, और से के तौर मतलब आपको शायद दुनिया की 10 कंपनियों के भी नाम याद नहीं होंगे जो टोटल अभी इस वक्त छाई हुई हैं, लेकिन आपको उन 10 इंडिविजुअल्स के नाम याद होंगे जिन्होंने सेल्फ वर्क पर बहुत ज़्यादा, मतलब जितने भी आप बिल गेट्स को ले लें, उन्होंने अपने सेल्फ वर्क से स्टार्ट लिया, और अमेजोन के जो हैं क्या नाम है इनका बड़ा, जेफ बेजोस ने भी इंडिविजुअल अपने आइडिया के साथ चीज को आगे लेके गए, स्टीव जॉब्स को देख लें, मतलब जितने भी बड़े बड़े आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, एलन मस्क को देख लें, एलन मस्क तो अभी तक जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल वर्क पे ही काम, मतलब बैठे बैठे उनका दिल करता है मैं ट्विटर खरीद लूं, ले भाई ये लो पैसे लो ट्विटर दे दो, मतलब ये क्या है, ये इंडिविजुअल वर्क की जो पावर होती है ना, इंसान मैं समझता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट टीम वर्क में ज्यादा मुश्किल होती है
क्योंकि आपको ये होता है कि मैंने अगर कोई फैसला लेना है तो मुझे 10 लोगों को और भी देखना है, मेरे थ्रू उन 10 लोगों का घर भी चल रहा है, और फिर अप्रूवल्स के जो सिलसिले होते हैं, आप तो खुद, हम सब नौकरी पेशा लोग ज़्यादातर कराची में हैं, हमें पता है कि यार हमने कोई आइडिया प्रपोज किया, वो 10 जगह से होकर एक जो प्रॉपर साइकिल बना हुआ है उसमें से गुजरता हुआ जाएगा, और कब जाके हमारा आइडिया इम्प्लीमेंट होगा तब तक शायद हो सकता है कहीं पे वो आइडिया फंस भी जाए, किसी को पसंद ना आए, किसी बड़ी अथॉरिटी को, सपोज वो आइडिया ऊपर अप्रूव भी हो गया तो तब तक उसकी इतनी वर्थ रहेगी भी कि नहीं रहेगी, तो इतना जो डिले आता है आपकी, और मैं समझता हूँ ये आपकी सेल्स को भी बहुत इफेक्ट करता है। आप प्राइवेट सेक्टर में भी अगर जाए ना, तो कोई आइडिया आपकी सेल्स को बूस्ट करने के लिए था, लेट सपोज दराज 11-11 की हम बात करें, 11-11 अगर किसी ने पिच किया पहले महीने में यानी जनवरी में, तब तो वो 11-11 को इम्प्लीमेंट हो गया। अगर किसी के दिमाग में 14 अगस्त का आइडिया जुलाई के उसमें आया कि अब 14 अगस्त को हम यार ये कर सकते हैं जिससे हमारी सेल्स बूस्ट अप होंगी, हमारी मार्केट कैंपेन रन होगी, लेकिन वो उस अगस्त में तो शायद इम्प्लीमेंट ना हो पाए, वो उससे अगले अगस्त में इम्प्लीमेंट होगा, तब तक सिनेरियोज क्या रहते हैं, सर्कमस्टांसिस क्या होते हैं आपको नहीं। तो मैं समझता हूँ कि टीम वर्क का एक ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। इंडिविजुअल वर्क में आपने सुबह डिसीजन लिया, आप शाम को उसको इम्प्लीमेंट करके देख भी सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। सारी चीजें आपकी ठीक हैं, बिल्कुल समझ भी आ रही है। मतलब मैं जीत गया? नहीं, जीत नहीं गए आप, मैं आपके पॉइंट को भी सपोर्ट कर सकता हूँ, मेरे पास ये अच्छा राइड है, तो लड़ने नहीं आया यहाँ पे। यस, तो ये कि मैं कहना चाह रहा था कि हम नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, जैसे टीम वर्क की अब जो खूबी है मेरे जहन में वो ये है कि आपकी लर्निंग बहुत होती है। अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप एक काम कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, आप मुख्तलिफ लोगों से सीख नहीं रहे, आप मुख्तलिफ कल्चर से नहीं सीख रहे, मुख्तलिफ लोगों से नहीं मिल रहे, ज़ाहिर है वो अगर आप टीम वर्क में होते हैं तो आप एक दूसरे से सीख भी रहे होते हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है, उनकी जो थिंकिंग होती है वो आपको पता चल रही होती है, वो किस माइंड के मालिक हैं, वो किस तरह सोच रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप अगर इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं तो आपको बाकी जो दूसरे लोग होते हैं वो आपको इतना सपोर्ट नहीं करते, इसलिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अगर मैंने आपको बता दिया तो आप में ये चीज़ आ जाएगी, फिर आप मेरा मंजन बेचेंगे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी, तो ये चीज़ें भी सम टाइम आ जाती हैं। लेकिन टीम वर्क में ये चीज़ें नहीं होती, टीम वर्क में आपको हर हाल में दूसरे को सिखाना पड़ता है अपना प्रोडक्ट, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप टीम वर्क करना चाह रहे हैं उसको पता ही नहीं होगा कि आपका काम क्या है, तो वो कैसे कर पाएगा, फिर मजबूरन नहीं सही आपको उसको अपना काम सिखाना पड़ता है। मैं बिल्कुल इस तो इससे लर्निंग होती है, इस बात से मैं प्रॉपर जो है एग्री करता हूँ आपकी कि ये बात ठीक है, बट ऑन दी अदर एंड अगर हम देखें, मतलब जितनी लर्निंग होती है, मैं खुद समझता हूँ कि जब मैं अपनी जॉब स्टार्ट करने से पहले जो मैं था, उसके बाद मेरी सॉफ्ट स्किल्स तो शायद मेरे काम आई, बट जो मेरी टेक्निकल स्किल्स थी और बाकी चीज़ें थी वो आस्ते आस्ते स्ट्रॉन्ग होती गई खुद ब खुद, क्योंकि एक होता है आपने थ्योरेटिकली अपना होमवर्क किया हुआ है, बट उसको जब आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाते हो तो जितने एरर्स आप आते ना, वो कहते हैं ना कि एक रॉ मटेरियल है, उसके बाद उसने जितनी मशीनों से गुजरना होता है, जो रगड़ाई होती है, सफाई होती है, वो उसी प्रैक्टिकल एरिया का नाम है। तो इससे जब आप गुजरते हो तो वो टीम वर्क के थ्रू ही आप गुजर पाते हो, क्योंकि आपके आसपास वाले आपके सीनियर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं यार ये वक्त हम पे भी आया था, कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल ले, बुरा टाइम है अच्छा टाइम भी आ जाएगा, ये जो आपको बिल्कुल यानी इसमें अभी वही बात है कि मोटिवेशन भी बहुत मिलती है टीम वर्क में, इंडिविजुअल को उस तरह मोटिवेशन नहीं मिलती, जो आपको थपकी मिलती है, जो आपको एक आसरा या सहारा मिलता है, और ये जो अभी हमने कोलीग्स के साथ मिलकर सोशल गैदरिंग का प्लान बनाया ये भी इसी का नतीजा था। अगर हम इंडिविजुअल होते तो अकेले जाके आइसक्रीम खा के, मतलब अकेले जाके आप चाहे ब्रॉडवे का पूरा पिज्जा खाया हो, चाहे आप 5-5, 10-10 हज़ार पे खर्च, बिल्कुल मजा आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, ये इससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बट ऑन दी अदर एंड अगर आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं है, ऑफिस पॉलिटिक्स एक इतना बड़ा कैंसर है मैं समझता हूँ टीम वर्क के लिए, जो आपको खा जाता है। आप कितने लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑफिस पॉलिटिक्स और सॉर्ट ऑफ हरासमेंट टाइप की जो चीज़ होती है, ये भी एक हमारी सोसाइटी का डार्क पार्ट है। मैं ये नहीं समझता कि हम इस पर बात नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा टॉपिक है ना जिसमें हम बात नहीं कर रहे तो वो हाईलाइट ही नहीं होगा, जब तक वो हाईलाइट नहीं होगा तो वो स्टिल हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक ही रहेगा। तो मैं समझता हूँ हमें इन टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए, ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई, हरासमेंट हो गई या अब्यूसिव लैंग्वेजेस हो गई, इस तरह की चीज़ों पे जब तक हम बात करेंगे, इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, तो आस्ते आस्ते ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी, लोगों का आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि ठीक है आप एक वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, लेकिन उस वर्क प्लेस में भी सबकी अपनी अपनी स्पेस है, सबकी अपनी अपनी बाउंड्रीज है, आपने उन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए एक दूसरे को हेल्प भी करना है, एक दूसरे के साथ भी चलना है, एक दूसरे से सीखना भी है, एक दूसरे को सिखाना भी है। तो ये चीज़ एक टीम वर्क में, जो आपने बात की कि मुख्तलिफ कल्चर्स और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, तो मैं समझता हूँ अगर सब एक दूसरे के कल्चर का एहतराम करते हैं, एक दूसरे के जो भी थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स से जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं,
जो उनका बैकग्राउंड है उन सब का ख्याल रखते हैं, एहतराम करते हैं, और उसके बाद अगर ये ऑफिस पॉलिटिक्स का चक्कर ना है नहीं आपके तरफ, तो आप बहुत ही ज़बरदस्त वर्क प्लेस का हिस्सा हैं। कभी भी किसी और अपॉर्चुनिटी की तरफ जाने से पहले इन तमाम मैटर्स को देखें। सिर्फ सैलरी सब कुछ नहीं होती, ये चीज़ें मैं समझता हूँ ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप एक कंफर्टेबल प्लेस पर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में अपने पूरे पोटेंशियल के साथ अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए काम कर रहे हैं, भले थोड़ी कम सैलरी पे कर रहे हैं। आपको एक वर्क स्ट्रेस नहीं है, वर्कलोड मैनेजमेंट आपकी प्रॉपर चल रही है, तो ये एक बेस्ट पॉइंट रह सकता है। ऑन दी अदर एंड अगर आपकी तरफ ऑफिस पॉलिटिक्स है ये सब कुछ है, तो इससे ज़्यादा बेहतर है बंदा इंडिविजुअल वर्क करें। बिल्कुल जनाब, ऐसा इकबाल से हम माइक छीन लेते हैं, क्योंकि जाहिर है इनके पास माइक होगा तो ये बोलते रहेंगे, ब्रेक ही नहीं लेंगे। तो हमें बताया जा रहा है, कानों में आवाज़ आ रही है कि ब्रेक भी लेनी है। तो जनाब आप फैसला कर सकते हैं, अब आपके नज़दीक क्या बेहतर है, टीम वर्क या फिर इंडिविजुअल वर्क, ये आप हमें बता सकते हैं। हमने जिस तरह पहले भी आपको नंबर बताया था अपना व्हाट्सएप नंबर, एक बार फिर हम आपको बता ही देते हैं, 0330860072। दोनों के अपने ही बेनिफिट्स हैं, दोनों के अपने ही कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो ये आपने भी बताना है हमें, तो बिल्कुल ज़रूर राय दीजिएगा अपनी भी। हम मिलते हैं आपके साथ ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो और बैटल ऑफ द बेस्ट। Welcome back listeners, हम आ गए वापस, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर बैटल ऑफ द बेस्ट। मैं साकिब रजा और एहसन इकबाल आपके हमरा मौजूद हैं, क्योंकि रोजाना नहीं लेकिन हर हफ्ते हम आपके साथ आते हैं, आपसे चिट चैट का मौका मिलता है, लेकिन वक्त का बिल्कुल भी नहीं पता चलता कितनी तेजी से वक्त गुजर जाता है। ऐसा ही हो रहा है, अब हमारी घड़ी बता रही है टाइम बहुत कम रह गया है, तो हम फौरन बढ़ते हैं अपने लिसनर्स के जो कमेंट्स हम तक पहुंचे हैं वो शामिल करते हैं और आपसे फिर हम चाहेंगे इजाज़त। जनाब हमें लाहौर से अब्दुल कादिर कहते हैं कि आप लोगों का जो फॉर्मेट है बैटल ऑफ द बेस्ट का वो बहुत ही शानदार है, नहायत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये फॉर्मेट, आप दोनों बहुत अच्छा इसको लेकर चल रहे हैं ये डिबेट, और मैं चाहता था कि इस तरह का होना चाहिए, कोई ना कोई शो आप लोगों ने किया, मुझे बहुत खुशी हुई नई सुबह वेब रेडियो पर इस तरह के फॉर्मेट पर शो देखने को मिला, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर साहब, आप हमें सुन रहे हैं लाहौर से, आपने हमारे शो को सराहा, पसंद किया। हमारे साथ खुर्रम खान मौजूद हैं, केपी कैसे कहते हैं कि आप दोनों की आवाज़ और आप दोनों की जो एनर्जी है वो बहुत ही कमाल है और आप दोनों बहुत एनर्जेटिक हैं और आप दोनों का जो सिलसिला रहता है साथ शो करने का वो भी बहुत अच्छा रहता है। बहुत शुक्रिया खुर्रम खान साहब जी। एहसन इकबाल आपके पास कौन से कमेंट्स मौजूद हैं, कौन कौन हमें सुन रहा है, क्या क्या कह रहा है? राइट जनाब, आफ्टर के फ्रॉम KPK हमारे पास कमेंट मौजूद है। नादिया हरिपुर से कहती है कि आपके शो में जो बिटवीन द लाइन बातें होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी थैंक यू सो मच, हमारा भी मकसद यही होता है कि इस छोटे से शो में थोड़े से दौरानिए में आपको इंटरटेनमेंट के साथ साथ ऐसी बातें ज़रूर दे दी जाएं जिस पर आप बाद में गौर कर सकें। कभी अकेले बैठें तो यार आज हमने जो शो सुना था उसमें ये वाला जुमला बोला गया था, इसका मतलब क्या है, मकसद क्या था वहाँ कनेक्ट करने का, उसकी रीज़न क्या थी, तो उसका जो हम बिटवीन द लाइन बातें करते हैं उसका मकसद यही होता है, थोड़ी सी फिलोसॉफिकल। हाँ तो वेल आगे चलते हैं, हमारे पास जो है वो आदिल मौजूद हैं हैदराबाद से, वाव उन्हें भी हमारा शो पसंद आ रहा है, अक्रॉस द कंट्री हमारा शो सुना जाता है, हैदराबाद लाहौर हरिपुर KPK मतलब वंडरफुल दैट वाज। इसके अलावा हमारे पास मौजूद हैं इकबाल, कराची से मुखातिब नहीं है, कराची से हम मुखातिब हैं और वो भी कराची से हमें मैसेज कर रहे हैं, उनको भी हमारी पूरी ये जो सेटिंग है यानी हम दोनों की एनर्जी, हमारा फॉर्मेट, सब चीज़ें उन्होंने लिख दी है, बहरहाल बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जरीना मौजूद हैं, इन्हें भी हमारा शो पसंद आ रहा है, ढेरों दुआएँ उन्होंने लिखी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आलिया। तो इसके साथ साथ हमारे साथ जो मौजूद हैं गुजरांवाला से बिलाल, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उनमें आपके साथ एक घंटा बहुत अच्छा
कहाँ बीत जाता है पता भी नहीं लगता। वेल जनाब, पाकिस्तान हमारी धरती माँ है और इसमें जो भी मुश्किल हालात हैं हमें बहुत इस्तकामत के साथ इन हालात को काटना है और हमें जो है वो कोई भी ऐसा इकदाम नहीं करना जिससे हमारी धरती को, जिस पे हम रहते हैं, हमारे लोग रहते हैं, हमारे अपने रहते हैं, ये धरती जिस तरह से हमने हासिल की है, जिस तरह अभी 14 अगस्त का हमने जश्न भी मनाया है इस धरती की आज़ाद होने की एक सालगिरह के मौके पर, तो कोई ऐसा इकदाम जो इसको नुकसान पहुंचाए हमें वो हरगिज़ नहीं उठाना, चाहे वो हमारे फ़ायदे के लिए ही क्यों ना हो। तो मेरे ख्याल से इसी खूबसूरत से मैसेज के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, क्योंकि घड़ी की सुइयां हमें कह रही हैं कि जाइए जनाब वरना भेज दिए जाएंगे। बिल्कुल एहसन इकबाल, बहुत मज़ा आया आज के शो में, हमेशा की तरह आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरता है और लिसनर्स के साथ तो यकीनन जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, आपके कमेंट्स भी हम देख रहे होते हैं तो उससे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाता है, तो आपसे कनेक्शन जुड़ा रहेगा। लेकिन आज की हद तक इतना ही रखते हैं, पाकिस्तान की बात हो रही है, अगस्त का महीना जारी है, अगस्त का महीना बल्कि खत्म हो रहा है, तो क्या ख्याल है मिली नगमे के साथ ही एंडिंग करें आज के शो की। एहसन इकबाल, पिछली बार हमने जो मिली नगमा साथ गाया था वो भी बहुत पसंद किया गया था, तो आज भी क्या ख्याल है मिली नगमे के साथ ही एंडिंग करते हैं प्रोग्राम। वेल जनाब, क्यों नहीं, धरती माँ की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई और उसके बाद फिर कौमी सॉन्ग, कौमी नगमा, नेशनल सॉन्ग ना हो ऐसा नहीं हो सकता, चले फिर एंडिंग करते हैं। वेल जनाब, हम लोग यहाँ से साइन आउट कर रहे हैं इस जबरदस्त से नेशनल सॉन्ग के साथ। 1 2 3 4 ऐ मेरे वतन, तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। ऐ मेरे वतन, तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। क्या बात है एहसन इकबाल की आवाज के साथ हम आपसे इजाजत चाह रहे हैं, बशर्ते सेहत और सलामती और जिंदगी, मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।